हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सालनी। घर के खाने में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ मटर के पापड़। कैसे बनाएं, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। उसके लिए ये मैंने मटर छीलकर तैयार कर ली है। अब इसे हम एक मिक्सी जार में डाल लेंगे। अब मैंने ये एक मिक्सी जार में डाल ली है और थोड़ा सा मैंने पानी डाल लिया। अब इसका एक हम बारीक पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। पेस्ट हमने बनकर तैयार है। अब मैंने एक मिक्सर बाउल ले लिया है। इसमें मैंने इस तरह की एक छलनी ले ली है। अब हम इसे एक चम्मच लेकर और इस तरह से छान लेंगे। अब इसी तरह मैंने पूरे पेस्ट को छान लिया है। अब जो भी मेरा मोटा पेस्ट रह गया है वो मैंने छोड़ दिया है। अब मैंने एक कटोरी मैदा ले ली है और हम इस जो हमारी मटर का पेस्ट बचा हुआ है उसे हम फेंकेंगे नहीं, ये हम सब्जी में यूज कर लेंगे। अब मैंने एक कटोरी पानी डालकर और इसे खूब अच्छी तरह मिला लिया है। अब हमने जिस कटोरी से मैदा ली है उसी कटोरी से मैंने 5 कटोरी पानी और डाल लिया है। और नमक स्वाद अनुसार, नमक कम ही डालें। अब हमें इस टाइम हमें कम लगेगा, फिर पापड़ में बहुत तेज़ हो जाएगा, तो नमक थोड़ा कम ही डालें। 1 चम्मच मैंने जीरा डाल लिया है। और अब इस घोल को हम लगातार चलाते रहेंगे। गैस इस टाइम हम हाई कर लेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा। 1 चम्मच मैंने चिल्ली फ्लेक्स डाल लिया है और थोड़ा सा मैंने फ्रूट कलर डाल लिया है और 1/2 चम्मच मैंने मीठा सोडा डाल लिया है। अब इसको हम लगातार चलाते रहेंगे और गैस इसमें उबाल आ गया है। अब इस टाइम हम गैस को लो कर लेंगे। इसे हमें खूब अच्छी तरह पकाना है। अगर ये कच्चा रह गया तो हमारे पापड़ अच्छी बनकर तैयार नहीं होंगे। अब ये हमारा डो पककर तैयार है। हमें ये ऐसे चेक कर लेंगे, अगर हमारे चमचे पर लकीर बन रही है और पेस्ट डो अलग नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो। अब हम छत पर आ गए हैं और एक पन्नी मैंने बिछा ली है। इस पर हम इस तरह एक चमचा की सहायता से पापड़ बनाकर तैयार करें। इसी तरह हम सारे पापड़ बना लेंगे। आप बनाकर ज़रूर देखें, बहुत ही टेस्टी पापड़ बनकर तैयार होंगे। मटर के पापड़ आपने अभी तक नहीं खाए हैं तो एक बार ज़रूर बनाएं। आप मेरे कहने से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। अब इसी तरह से मैं सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लूँगी। पापड़ मेरे बनकर तैयार हैं। ये मैंने एक कटोरी मैदा में बनाकर तैयार कर लिए। अब हम इसे अच्छी तरह सूखने तक इसका इंतज़ार करेंगे। पापड़ मेरे आज आज ही मैंने तोड़े थे, आज ही मैंने इतने सीख गए हैं कि मैं आपको तोड़कर दिखाऊंगी ये कितने क्रिस्पी बने हैं। अगर हम इसमें 2 दिन और धूप में सिका लेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही कुरकुरे बनकर तैयार हो जाएंगे। अब इसी तरह मैं आप पापड़ मेरे फटाफट सिक रहे हैं। अभी ये थोड़े से गीले हैं, 1 दिन की धूप इसमें और लगानी पड़ेगी, फिर पापड़ हमारे बहुत करारे बनकर तैयार हो जाएंगे और फटाफट सिक जाते हैं। गैस का थोड़े हाई गैस पर ही सेकें। पहले ऑयल गरम कर लें, फिर उसके बाद पापड़ सेकें। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। पापड़ बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए। चलो चलते हैं।